हेलो स्टूडेंट्स, मैंने ना कम्युनिटी पोस्ट पर एक जावा क्वेश्चन 65 फाइंड द आउटपुट पोस्ट डाला था, जिसमें काफ़ी लोगों ने रॉन्ग किया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक आंसर ए था और एक 65 था। एक आंसर 66% लोगों ने करेक्ट किया है और 65 34% लोगों ने करेक्ट किया है। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ओके, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्स इजक्ल टू ए है, जो कि कैर है, और ये जो ए है वो इंटीजर है। ओके, और ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट असाइन होगा इस ए के अंदर, कंडीशन फॉल्स है तो ये पार्ट असाइन होगा इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि सबने देखा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि कैपिटल ए डबल इक्वल टू स्मॉल ए, और जावा केस सेंसिटिव है। ओके, कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर असाइन कर दिया और डायरेक्टली आंसर ए टिक कर दिया, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर करना क्या था आपको कि यहाँ पर आपको देखना है ए क्या है। ए का डेटा टाइप है इंटीजर, इसलिए ये जो ए है ना कैरेक्टर, इसका एस्की कोड आएगा, और ए का एस्की कोड क्या होता है, 65। इसलिए इसका जो आंसर है वो है 65, जो कि 34% लोगों ने करेक्ट किया है। तो अगर आप ने कैपिटल ए किया है तो उसे करेक्ट कीजिए और 65 आंसर आएगा। और ये भी चेक करो कि कितना डीपली देखना होता है। मैं जो भी कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन डालता हूँ वो बहुत ट्रिकी होते हैं। हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, हर कहाँ पर मैं सस्पेंस क्रिएट कर दूँ कह नहीं सकते। ओके, तो बी केयरफुल।